this. कहाँ सुख ब्रज को सो संसार श्री भगवान सोच रहे हैं कि ब्रज जैसा संपूर्ण संसार में कहीं भी सुख नहीं है. कहाँ सुख ब्रज को सो संसार. ब्रज में जो सुख है ऐसा सुख कहीं नहीं है. कहाँ है. कहाँ सुखद बंसी बट जमुना. परम सुख देने वाला बंसी बट और जगह कहाँ है. कहाँ बंसी बट है और कहाँ जमुना है. अर्थात कहीं नहीं. ये तो ब्रज में ही है. कहाँ सुखद बंसी बट जमुना यह मन सदा विचार. ये मन में हमेशा सोचना चाहिए कि ब्रज जैसा सुख कहीं नहीं है. कहाँ वन धाम कहाँ राधा संग कहाँ संग ब्रजबाम. कहाँ ऐसा वन है. कहाँ ऐसा वृंदावन है. वन धाम. वन धाम मतलब वन में घर या कुंज. कहाँ वृंदावन जैसा धाम है और कहाँ राधा रानी है. राधा रानी और किसी धाम में नहीं है. भगवान तो और कई जगह धाम बनाए हैं लेकिन राधा रानी तो ब्रज में ही रहती. कहाँ वन धाम कहाँ राधा संग कहाँ संग ब्रजबाम. और ब्रज की गोपियों का निवास और कहाँ है. कहीं नहीं. ब्रज में ही है. राधा रानी और राधा रानी की सखियों का निवास ब्रज में ही. कहाँ रस रास बीच अंतर सुख. और रास लीला कहाँ है. यह अंतर सुख. अंतः सुख जो हृदय का सुख है. जो रास विहार है. यह रास विहार केवल ब्रज में ही है. कहाँ नारी तन ताम. और इतनी सुंदरी नारियां कहाँ हैं जैसे ब्रज गोपियां. कहाँ लता तरु तरु प्रतिबूझनी कुंज कुंज नवधाम. कहाँ ऐसे ऐसे वृक्ष हैं. ऐसा कुंज है जिसमें डोलना है इस वृक्ष से उस कुंज में. और श्री कृष्ण को खोजना है. बूझनी का अर्थ है खोजना है. कुंज कुंज में ऐसे खोजना. तरुलता में लुका छिपी का खेल करना. ऐसा वन और ऐसा कुंज कहाँ है. और कुंज में धाम पुष्प सज्जाएं आदि. और कुंज में जो विहार है ऐसा कहीं नहीं है. तो और कुछ भी जो जो भी है और जगह नहीं है. इसलिए ब्रज में ही सब सुख है. और दूसरा पद अब भगवान कह रहे हैं उद्धव जैसे. उद्धव बेगी ब्रज जाहूँ. उद्धव बेगी ब्रज जा. श्रुति संदेश सुनाई मेटो. श्रुति संदेश वल्लभिनी को दाहु. उद्धो बेगी ब्रज जाहूँ. उद्धो बेगी ब्रज जा. जैसा वहाँ पर कहा गया कि भगवान ने सबसे पहले क्रियापद का प्रयोग किया गच्छ. उसी को सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धो बेगी ब्रज जाहूँ. बेगी मतलब वेग से. बहुत जल्दी जाओ. श्रुति संदेश सुनाई मेटो. उनके कानों में यह संदेश दो जो मैं संदेश दे रहा हूँ. और उन श्री गोपियों का दाह दूर करो. ताप दूर करो. काम पावक तूल तन में बिरह श्वास समीर. जरी भसम नहीं होन पावे लोचनन के नील. जो
हमसे प्रेम करने की लालसा है वह एक अग्नि के समान है, और श्री गोपियों का शरीर रुई के समान है। तो उनके शरीर में मेरे प्रति जो प्रेम है वो बहुत धधक रहा है, अग्नि है, और शरीर रुई के समान है, लेकिन फिर भी शरीर जल कर भस्म नहीं होता है। इसका कारण ये है कि आँखों से पानी बरसता रहता है, तो पानी ही शरीर को शीतल रखता है। आंसू इतना गिरता है कि उससे शरीर भस्म नहीं होने पाता है। आग लगी है, आग बुझती नहीं है, लेकिन शरीर को जला कर राख नहीं कर पाती है। रामचरितमानस में भी हनुमान जी सीता जी का वर्णन कर रहे हैं भगवान राम से कि आपके विरह में सीता मर नहीं रही है, क्योंकि आंखें इतना पानी बरसा रही हैं कि शरीर जल नहीं पाता है। इतना मतलब रोती हैं, तो रोने से आंसू निकलता है, आंसू शरीर पर गिरता है, ऐसे तो हृदय को शीतल रखता है। आंसू से हृदय शीतल हो रहा है, इसीलिए शरीर में आग नहीं लग रही है। इसी का ठीक अनुवाद किया है उन्होंने। शरीर इसलिए भस्म नहीं हो रहा है कि आंसू बहुत गिरता है, अर्थात बहुत दुखी है। ये प्रकारांतर से ये कहना है, काम पावक तूल तन में विरह श्वास समीर, और हवा भी तेज है। कहीं आग लगी है और आग जिस चीज को पकड़ी है वो चीज भी ज्वलनशील है, और इसके बाद हवा भी तेज गति से चल रही है। तो काम है हृदय में अग्नि के समान है, और शरीर रुई के समान, और सांस जो दीर्घ श्वास चल रही है वो वायु के समान है। फिर भी जरी भस्म नहीं हो न पावे लोचनन के नीर, फिर भी जर करके शरीर भस्म नहीं होता है आँखों के आंसुओं के कारण। आज लौ ये भांति हैं वे कछुक सजग शरीर। आज तक श्री गोपियाँ जीवित हैं और उनका शरीर चेतन है, इते पर बिनु समाधान नहीं क्यों धरे तिय धीर। लेकिन अब भी यदि समाधान नहीं किया गया, उनको सांत्वना नहीं दी गई, तो वे स्त्रियाँ कैसे शरीर धारण कर सकती हैं। बार बार कहा कहो तुम सखा साधु प्रवीण, मैं मित्र तुमसे क्या कहूँ, तुम सब कुछ समझते हो, विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ हो, अतः तुम सब समझ रहे हो कैसे जी रहे हैं। सूर सुमति विचार ये जिए जल बिनमन। सूरदास जी कहते हैं कि तुम जा कर के वही सुमति दो, अथवा हे सुंदर बुद्धि वाले सखा, उनको वही बात जा कर के कहो जिससे कि वे जी जाएं। उनकी दशा ऐसे है जैसे जल के बिना मछलियाँ, कैसे जी रही हैं यही आश्चर्य की बात है। तो तुम जा करके उनको उचित बात कहो, सांत्वना दो, और इसके बाद जैसा पहले कहा गया कि माता यशोदा को जो पत्र भगवान ने लिखा है, उस पत्र का भाव यहाँ दिया गया है। उधो इतनी कहियो जाए, उधो इतनी कहियो जाए, हम आवेंगे दो भैया, हम आवेंगे मैया जनिया कुलाय, मैया जनिया कुलाय। यही भगवान ने पत्र में लिखा है कि हम दोनों भाई आएंगे, कृष्ण बलराम दोनों आएंगे। मैया तुम व्याकुल मत बनो, तुम रो मत, तुम शांति रखो। या को भी लग बहुत हम मान्यो, या को बहुत हम
जो कही पठयो धाय वह गुण हमको कहा बिसरी है वह गुण हमको कहा बिसरी बड़े किए पै प्याय यही बहुत हो गया मैया कि मैं यहाँ आ गया मथुरा यही काफी हो गया लेकिन तुम्हारे उस गुण को मैं कैसे विसार सकता हूँ तुमने हमको दूध पिला करके बड़ा किया है। वास्तव में भगवान जिस माता से जन्म लिए उसका दूध नहीं पी पाए देवकी का दूध नहीं पिए केवल एक बार पिया जन्म लेने के बाद लेकिन यशोदा जी ने ही भगवान कृष्ण को बड़ा किया दूध पिलाकर अपने छाती का दूध पिलाकर और गऊओं का दूध पिलाकर तो वह गुण हमको कहा बिसरी हैं बड़े किए प्याय और जब मिलो नंद बाबा से तब कहियो समझाए और नंद बाबा से जब मिलना तो उनको समझा कर कहना तौलो दुखी होने नहीं पावे धौली धूसरी गाय तो मैं नंद बाबा को कहना नंद बाबा से कह रहे हैं उद्धव से कह रहे हैं नंद बाबा के समय कि हमारी यह गाय धौरी धूसरी ये सब गायें दुखी ना हो ये भी एक संदेश देने का तरीका है कि हमारी जो गायें हैं वो दुखी ना हो उनको ठीक से खिलाना पिलाना चाहिए हम आने ही वाले हैं। यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख तदपि रहो नहीं जाए सूरदास देखो ब्रजवासिन तब ही हियो सिराए यद्यपि मथुरा में बहुत सुख है फिर भी मुझे यहाँ रहा नहीं जा रहा है यहाँ के सुख से हमारा मन फंसा नहीं है बहुत सुख है सब प्रकार से लेकिन तदपि रहो नहीं जाए सूरदास देखो ब्रजवासिन जब मैं ब्रजवासियों को देखूँगा तब ही यो सिराए तब ही ये हमारे हृदय शीतल हो सकता है सुखी हो सकता है। पुनः कह रहे हैं ये पत्र का ही संदेश दे रहे हैं। नी के रहियो जसुमती मैया नी के रहियो जसुमती मैया आवेंगे दिन चारी पाँच में आवेंगे दिन चार पाँच में हम हलधर दो भैया संदेश दे रहे हैं कि मैया तुम ठीक से खाना पीना और चिंता मत करना हम और हलधर दोनों आएंगे हम और बलराम दोनों भैया आएंगे। नोई बेत विशान बांसुरी नोई बेत विशान बांसुरी द्वार अबेर सवेरे हमारे नोए को जो गाय नोई जाती है पिछले पैर उसके बांधे जाते हैं दुहने के लिए हमारे नोए ठीक से रखना और बेंत जो गाय चराने के लिए मैं ले जाता था उसको और बांसुरी को संभाल करके रखना विशेष करके सांझ सवेरे चोरी उसी समय होती है तो द्वार अबेर सवेरे इसको सुरक्षित रखना। ले जनी जाय चुराय राधिका ले जनी जाय कछु क खिलौना मेरे और विशेष करके राधिका से सावधान रहना कई बार हमारी बांसुरी चुराई थी तो ये सब चीज विशेष करके बांसुरी के विषय में ही कह रहे हैं कि लय जनी जाय चुराय राधिका राधा रानी चुरा करके ना ले जाए
कुछ खिलौना मेरे और भी मेरे कुछ खिलौना है सब हिफाजत से रखना है। इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि मुझे आना है वहीं तो हमारा चीज सब सुरक्षित रखना है। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे जा दिन ते हम से बिछुरे को न कहत कन्हैया मैया। जिस दिन से हम तुमसे बिछड़े हैं तो कोई हमको कन्हैया नहीं कहता है। यह सब द्वारकाधीश बोलते हैं वासुदेव बोलते हैं वसुदेव जी के पुत्र यही कहने वाले कोई इतना प्यार का शब्द कन्हैया मुझको नहीं कहा। जा दिन ते हम तुम सो बिछुरे जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे को न कहत कन्हैया। और उठी न सवेरे कियो कलेव उठी न सवेरे कियो कलेव साझन चाखी धैया साझन जब से हम ब्रज से आए मैया तुम्हारे पास है तब से सवेरे खाने को कुछ नहीं मिला कलेवा नहीं किया वही 2 बजे 1 बजे लोग पूछते हैं ये भगवान के कहने का आशय है। अभी मांग भी नहीं सकते कि भूख लगी है दो और कोई खिलाने वाला है नहीं। उठी न सवेरे कियो कले और सांझ न चाखी धैया और सांझ को धारोसल दूध कभी नहीं मिला धारोसल दूध को धैया कहते हैं। गाय दुही जाती है तो उष्ण धारा गरम जल गरम दूध होता है उसको धारोष्ण दूध कहते हैं तो कभी धारोष्ण दूध पीने को नहीं मिला। भगवान तो जाते थे ब्रज में खिड़क में दुहाने के लिए तो उस समय गरम गरम दूध उनको नंद बाबा दिया करते थे पीने धारोष्ण दूध नहीं मिला और कलेवा नहीं मिला। फिर नंद बाबा के लिए कह रहे कहियो कहा कहिए कहा नंद बाबा सो जीतो निठुर मन कीन्हो। और जा करके नंद बाबा से कहना कि आप इतना कठोर हृदय वाले हो गए मथुरा में पहुंचा करके सुधी भी नहीं लिए हमारा कि कैसे है कृष्ण। सूरदास पहुँचाई मधुपुरी सूरदास पहुँचाई फिर न सो धोलीन हो फिर न सो धोली मथुरा में पहुँचा करके और फिर सुधि नहीं लिए। अब उल्टे इन पर दोष न लगे इसलिए नंद बाबा पर ही दोष लगा रहे हमको पहुंचा करके और सुधि नहीं लिए। और जा करके हमारे तरफ से कहिए कि नंद बाबा बहुत कठोर हो गए हैं हम दोनों भाइयों को मथुरा पहुंचा करके छोड़ दिए ऐसा लगता है कि मानो थाती सौंप गए। थाती का अर्थ होता है कि हम दोनों को पहुंचाए आए पहुंचा दिए मथुरा में और सुधि भी नहीं ले रहे हैं ऐसा लगता है कि हम लोग दोनों थाती रखे गए थे और थाती को सौंप करके निश्चिंत थाती तो थे ही एक प्रकार से। हम दो बीरे दारी पर घरे हम दो बीरे बीरे माने भाई वीर भाई को कहते हैं हम दोनों भाइयों को दूसरे के घर में डाल गए वसुदेव जी के घर में डाल गए मनो थाती सौंप गए ऐसा लगता है कि थाती हम लोग थे और सौंप गए। थाती तो थे ही ना वसुदेव जी ले जाकर के छोड़े थे ब्रज में थाती तो थे तो मनो थाती सौंप गए ऐसा लगता है कोई किसी का धन रखा हो उसको बहुत चिंता हो कि कब ले जाएगा ये यहाँ चोरी वोरी हो सकता है कुछ हो सकता है
तो जब उसको लौटा देता है थाती तो उसको निश्चिंतता होती है। तो ऐसे नंद बाबा कठोर बन गए कि हम दोनों भाइयों को दूसरे के घर में पहुंचा करके सुधी नहीं लिया, ऐसा लगता है कि थाती सौंप करके निश्चिंत हो गए। तनकते पाली बड़े किए, तनकते तनक में छोटे छोटे हम लोग थे दोनों भाई, तो इसे पाल पाल करके बड़ा किए, खिला पिला कर। तनकते पाली बड़े किए, तनकते बहुत सुख दिखराए, बहुत सुख दिखाए, बहुत सुख दिए हम लोगों को, दोनों भाई को। छोटी अवस्था से ही पाल पोस कर बड़े किए और बहुत सुख दिए। गोचारण को चलत हमारे, गोचारण को चलत हमारे, पाछे को सक धाये। जब हम दोनों भाई गोचारण के लिए चलते थे तो हमारे पीछे कोसों दौड़ करके नंद बाबा आते थे। पाछे कोसक धाये, कोसों दूर आ जाते थे छोड़ने के लिए। हम लोग कहते थे कि बाबा लौट जाइए घर पर, लेकिन कोसों आ जाते थे। गोचारण को चलत हमारे, गोचारण को चलत हमारे, पाछे कोसक धाये, पाछे कोसक धाये। और फिर एक उलाहना भी दे रहे कि यहाँ तो वसुदेव देव की कह रहे हैं कि तुम हमारे बेटा हो, हम तो बहुत फेर में पड़े हैं। ये वसुदेव देव की हम सो, ये वसुदेव देव की हम सो, कहत आपने जाए। आप मथुरा नहीं छोड़े होते हमको तो ये विपत्ति नहीं आती ना। तो वसुदेव देव की कह रहे हैं कि तुम हमसे जन्मे हो। आप देखिए अब हम क्या जवाब दें। हमारा हमको तो ज्ञान नहीं था कि कौन जन्म दिया। अब आप आकर के कहते कि हमने जन्म दिया है तब ना चलता ब्रज में। अब तो ये बांध लिए है, कहते कि तुम हमारे जन्मे हुए हो। ये वसुदेव देव की हम सो, ये वसुदेव देव की हम सो, कहत आपने जाए। बहुरी विधाता जसुमति जुके, बहुरी विधाता जसुमति जुके, हम ही न गोद खिलाए। जब से मथुरा में आया तब से माँ जसोदा के गोद में खेलने को भगवान ने हमें नहीं दिया मौका। विधाता मैंने भगवान जगदीश्वर हमको मौका नहीं दिए। मैं दुर्लभ हो गया माँ जसोदा का गोद, और दूसरे के घर में मैं रह रहा। बहुरी विधाता जसुमति जुके, बहुरी विधाता हम ही न गोद खिलाए। बहुरी मैंने फिर से भगवान ने हमको ये सौभाग्य नहीं दिया कि मैं जसोदा माता के गोद में खेलूं। कौन काज यह राजनगर को, कौन काज यह। इस नगर का राज किस काम का, मथुरा का राज किस काम का है। कौन काज यह राजनगर को, सब सुख सो सुख पाए। एक से एक सुख यह मिलता है, लेकिन इसे क्या मतलब है। सूरदास ब्रज समाधान करू, सूरदास ब्रज समाधान करू,
आज काल हम आए। मित्र जा करके इसका समाधान करो और हम आज शाम को या कल तो जरूर ही आ जाएंगे। हम दोनों आज काल में आने वाले हैं, मतलब बहुत शीघ्र। बस दंत बाबा से कह देना कि हम आज कल में पहुंचने वाले हैं, माँ यशोदा से कहना। ऐसे बरसों लगा देंगे भगवान, लेकिन इस तरह से सांत्वना दे रहे हैं। और वैसे तो श्री कृष्ण के साथ वियोग है ही नहीं किसी का। सूर्यदास ब्रज समाधान करो, आप जाइए उनको समझाइए और ये कहिए कि हम बस आज काल में आने वाले, आज काल हम आए, हमको ऐसा ही माने कि हम आज काल में पहुंचने वाले हैं। अब रत्नाकर जी की कविता पढ़ रहे हैं, एक बार गाइए तो इसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे। कहत गोपाल माल मंजुमणि पुंजन की, कहत गोपाल माल मंजुमणि पुंजन की, पुंजन की माल विशाल छवि छवना, गोपाल गोपाल कह रहे हैं मालूम मन माल मंजु मणि गुंजन की माल की मिसाल छवि छावेना। भगवान कह रहे हैं कि जो मैं माला पहना हूँ मथुरा में माला, वो मनु मणि पुंजन की, ये माला अत्यंत मंजू अत्यंत श्रेष्ठ कोटि के मणियों से बनी हुई माला है, रत्न की माला। कहत गोपाल माल मंजू मणि पुंजन की, गुंजन की माल की मिसाल छवि छावेना। लेकिन जो मैं ब्रज में माला पहनता था, गुंजा की माला, गुंजा एक फल होता है, तो गुंजा की माला जो पहनता था तो उस माला के आगे ये मणियों की जो माला है ये बेकार है, ये अच्छी नहीं लग रही है। जो कि मणि पुंज की माला पहना, अनेक मणियों की माला पहना हो लेकिन ये किसी काम की नहीं, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। गुंजन के माल की मिसाल छवि छावेना, गुंज की माला के समान ये छवि नहीं दे रहा है। कहे रत्नाकर रत्नमय किरीट अच, और मैं रत्नमय किरीट पहना हूँ, मुकुट पहना हूँ, लेकिन ब्रज में मैं मोर पक्ष मोर का पंख का मुकुट पहनता था, तो यह जो रत्नमय किरीट है बहुत अच्छा है, लेकिन मोर पक्ष के मोर पंख इतना सुंदर लगता था कि उसके लाखवें
अंश के बराबर भी ठीक नहीं लगता है। लक्ष्य अंश भी नहीं लगता है, ये बेकार है। सोने का मुकुट, हीरे का मुकुट, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और कहते हैं जसुमती मैया की मलैया और माखन की। मैं माँ यशोदा के साथ रहता था ब्रज में। माँ यशोदा हमको मलाई खिलाया करती थी और माखन खिलाती थी। तो जसुमती मैया की मलैया और माखन की, यशोदा माँ के मलाई और माखन की तुलना, ये काम धेनु गोरस अहु गुढ़ गुण पावे न। काम धेनु का गोरस और काम धेनु का दूध का दही, ये सब बना हुआ बेकार लगता है मुझको। उस स्नेह जो माँ यशोदा मुझको खिलाती थी मलाई, मलाई का मतलब होता है दूध है गर्म होते होते बीच बीच में जमता जाता है, उसको मलाई कहते हैं। अथवा दही के ऊपर छारी जो छाती है उसको मलाई कहते हैं। जसुमती मैया की मलैया और माखन की, काम धेनु गोरस अहु गुढ़ छवि पावे न, गुढ़ गुण पावे न। उसमें वो गुण नहीं है जो माँ यशोदा के दिए हुए मलाई और माखन में थी। गोकुल के रज के कनुका और तिरुका सम, गोकुल के इस एक गोकुल के रज के कनुका माने कणिका, गोकुल के ब्रज के रज के कणिका और तिनका के बराबर संपत्ति त्रिलोक के विलोक करने में आवे ना। तीनों लोकों में जो संपत्ति है ये ब्रज के सुख की तुलना नहीं कर सकता। ब्रज के धूलि का एक कण भी तीनों लोकों के वैभव से बढ़ करके है, और तिनका भी। मतलब कुछ इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। गोकुल के
रज की कणिका और गोकुल के घास के तिनका के बराबर भी तीनों लोगों की संपत्ति देखने में नहीं आती, अर्थात इसके आगे कुछ भी नहीं है। और भगवान क्या याद कर रहे हैं, ये 27वें पृष्ठ पर है, मैं 21वें पृष्ठ पर अंतिम श्लोक में गोकुला की